अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जी, अल्लाह पाक सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह पाक सब के घरों में खैर बरकत रखे। तो जी, आज व्लॉग का जो मैंने स्टार्ट किया था सुबह सवेरे से किया था, तो यहाँ पे कुछ ना ड्राइंग रूम में चीज़ें बिखरी पड़ी थी लिविंग एरिया में, तो यहाँ पे मैंने सोचा इनको ना ठीक कर देती हूँ। उसके बाद आज जो है ना मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है बाहर, और सर्दी जो है ना अपनी सर्दी ने जो है ना अपनी एंट्री दिखा दी है, और काफ़ी मौसम जो है ना ठंडा हो चुका है। अब बस ब्लैंकेट्स वगैरह निकालने बाकी हैं, और बाहर का मैं आपको ना व्यू दिखाती हूँ किस तरह से बाहर धुंध पड़ी हुई है। पहले काफ़ी दिनों से ना, बल्कि पिछले 2 वीक से जो है ना स्मोक पड़ रही थी, और बहुत ज़्यादा गले ख़राब हो रहे थे, तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही थी स्मोक की वजह से, बाहर निकलना मुश्किल था। और अब ना स्मोक के साथ ही जो है ना धुंध का भी वो शुरू हो चुका है, फॉग पड़नी स्टार्ट हो गई है, और देखें कितना दूर से जो है ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और एक रात पहले तो हम लोग ना, मैं अपनी बेटी को ना उसकी गाड़ी में बिठा के बाहर गली में राउंड लगवा रही थी, और यकीन करें एकदम से ना धुंध जो है गिरना स्टार्ट हो गई थी, और हमें तकरीबन गली में ना 2 से 3 घर छोड़ के ना बिल्कुल भी घर यानी नज़र नहीं आ रहे थे, और दूर से बिल्कुल कोई भी व्यू, हमारा जो गली का कोना है ना बिल्कुल वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो गली के कोने से हमें अपना घर नहीं नज़र आ रहा था वहाँ से। तो यहाँ पर उसके बाद बाहर का जो है ना मौसम देखने के बाद मैंने चाय रख दी थी पहले ही चूल्हे पर, और अब मैं चाय में जब 2-4 उबाल आ जाए तो फिर ही आपको पता है चाय मज़े की बनती है। तो चाय पीने के बाद आज लाइट सा नाश्ता किया था, जस्ट चाय पी थी, उसके बाद मैंने ना बाद में हलवा पूरी मंगवा ली थी। ये तकरीबन हम लोगों ने 11:30 बजे के टाइम पे डिसाइड किया था, क्योंकि बनाना कुछ और था आज ब्रेकफास्ट में, लेकिन मेरी बेटी ना वो अपनी तोतली ज़ुबान में हलवा पूरी करने लग गई थी, तो उसके लिए फिर मैंने हलवा पूरी मंगवा ली। और उसके बाद हम लोगों ने आज बाज़ार जाना है, और इस जगह पे आके मेरी बेटी इतना ज़्यादा खुश होती है कि क्योंकि उसको अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करने का ना मौका मिल जाता है, और वो बस उसे जो जो चीज़ पसंद आती है वो बास्केट में रख देती है। और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उसको ना मना नहीं करती हूँ, मैं एक बास्केट जो है ना अपने हैंड में रख लेती हूँ, तो उसका मैं ये करती हूँ जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं रख लेती हूँ बास्केट में, और लास्ट पर मैं ना इसकी बास्केट चेक करती हूँ, जो चीज़ें इसके काम की होती हैं वो मैं अपनी बास्केट में मूव कर लेती हूँ, और जो चीज़ें इसके काम की नहीं होती वो मैं वहाँ पर रख देती हूँ वापस। और इस तरह से ये के बच्चों को ना हमें इस तरह से करने देना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा ना अवेयरनेस आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि अपने लिए वो चीज़ चूज़ कर रहे हैं, उठा रहे हैं और बास्केट में रख रहे हैं। और अगर आप कितना बच्चे को मना कर लोगे, ये ना करो, वो ना करो, ये ना लो, क्योंकि बच्चों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या चीज़ उठा रहे हैं, क्या चीज़ उनके काम की है, क्या नहीं। और बहुत ज़्यादा मैं ओवर भी नहीं करती, ये नहीं कि उनको हम मार्ट वालों को तंग करें कि उनकी सारी चीज़ें उठा के हम लोग भर के आ जाएँ, तो बस ये है कि थोड़ा बहुत उसे ना इन्जॉयमेंट का मौका दे देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे और शाम का टाइम था, और मेरी बेटी जो है ना चिकन लवर है, और उसको ना उसकी खाला ने अपनी तरह चिकन लवर बना दिया, तो उसे बस ये होता है खाना खाने के वक्त ना मुझे बोटी चाहिए, मैंने चिकन खाना या कुछ भी जो है ना कबाब और चिकन उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर थोड़ा सा चिकन पड़ा था, उसको मैंने ना थोड़े मसाले लगा दिए थे, क्रीम पड़ी हुई थी, थोड़ी सी क्रीम लगाई थी मैंने, साथ में घर के जो आम मसाले हैं वो लगाए थे, डिब्बे वाले मसाले मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे मैंने क्रीम और मसाले लगाए थे। वैसे मैं दही भी लगाती हूँ, लेकिन दही नहीं था तो मैंने क्रीम लगा ली, और क्रीम से ना जो आपके टिक्कियाँ ना बड़े सॉफ्ट और बहुत जूसी जूसी से बनते हैं, और ना तो ये ड्राई होते हैं, क्योंकि अगर दही वाले हम लोग टिक्के बनाते हैं ना तो वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, लेकिन अगर दही के साथ या सिंपल क्रीम आप लोग ऐड कर दें टिक्कों में, तो यकीन करें टिक्कों का जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का बनता है। और यहाँ पे थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी कल की, और दाल गर्म कर ली थी मैंने, और साथ में सैलड काटा था, और टिक्के इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बने थे। वैसे अगर मैं इस तरह का चिकन बनाऊँ ना तो मैं साथ में राइस बनाती हूँ, क्योंकि राइस के साथ इस तरह का चिकन बहुत ही मज़े का लगता है। सिर्फ मैंने 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको छोड़ दिया था इन टिक्कों को, उसके बाद मैंने हाई फ्लेम पर
ग्रीन को थोड़ा कलर दे दिया था, बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पे मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी आपके साथ। ये ली थी जी मैंने रिंग्स, मुझे इस तरह की स्टोन्स, बड़े बड़े नगों वाली ना इस तरह की रिंग्स बहुत पसंद हैं, और ये मैंने ली थी। इसके 5 कलर थे, एक कलर मुझसे गुम हो गया कहीं, और ये 4 कलर आपके सामने। और यहाँ पर मैंने इयर रिंग्स लिए थे बड़े प्यारे। ये शॉपिंग जो है मैंने कोई एक दिन में नहीं की है, ये मैंने लास्ट मंथ डिफरेंट डिफरेंट डेज पे की थी। कुछ मैं अपने अबू के साथ बाजार गई थी तब की थी। और यहाँ पे आपको बड़ी प्यारी घड़ी नज़र आ रही है, मुझे ये बड़ी क्यूट सी लगी थी, इसके ऊपर ना ग्लासेस बने हुए हैं। और कुछ शॉपिंग मैंने अपनी बेटी और सिस्टर के साथ बाज़ार गई थी तब की थी। और यहाँ पे हैं जी, हिमानी का है फेस वॉश मैंने लिया था, ये उपटन फेस वॉश है हिमानी वालों का, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है और इसका रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा निकला है इसका। और बस ये थोड़ा स्टिकी है, इसको ना काफ़ी देर तक आपको ना फेस को वॉश करना पड़ता है तब ये फेस से उतरता है, थोड़ा सा स्टिकी है। मुझे स्टिकी जो फेस वॉश है ना वो ज़्यादा इतने पसंद नहीं आते, लेकिन रिज़ल्ट भी अच्छा है, बस थोड़ा स्टिकी है। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन पर्ल का लोशन लिया था, बॉडी लोशन बहुत ही बेस्ट इसका, इसके ना रिज़ल्ट भी अच्छा है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मैंने इसको यूज़ किया है और हैंड एंड फिट पे मैंने इसको काफ़ी यानी लगा चुकी हूँ इसको मैं, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा है। और ये डर्मा रोलर एक मैंने लिया था जी, इसको आप फेस पे भी इसका कर सकते हैं और सर में ऑयलिंग करके उस पर भी इसका मसाज कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में दिखाऊँगी। और बड़े ये काम की चीज़ है डर्मा रोलर, और इतना ये कॉस्टली भी नहीं, आई थिंक 500-600 की रेंज में ये मुझे मिला था। और यहाँ पे मैंने 2 अदद मास्क लिए थे, पील ऑफ मास्क है, एक गोल्ड में है, एक ये यहाँ पे पड़ा है दूसरा। और ये मास्क जो है सिंपल भी हम यूज़ कर सकते हैं फेस पे, और मैं बहुत सी रेमेडीज़ जो आपके साथ शेयर करती हूँ उन रेमेडीज़ में भी ये मास्क जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनका जो यूज़ है ना वो भी मैं आपको बताऊँगी अपनी रेमेडीज़ में, मैंने काफ़ी रेमेडीज़ आपके साथ इस तरह की शेयर भी की हैं। और व्लॉग्स के अलावा मेरे चैनल पर बहुत सी रेमेडीज़ आपको मिलेंगी। और यहाँ पर जी फेमिना वालों का मैंने लिया था फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए रेज़र, और ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। पहले मेरे पास रेज़र थे, मेरे हस्बैंड ने ना मुझे बाइट से भेजे थे, और उनका जो रिज़ल्ट है ना वो भी बड़ा बेस्ट था। और वो एक ही बॉक्स में ना 5 थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया उनको यूज़ करते हुए तो वो ना थोड़े ख़राब हो गए थे, तो इसलिए मैंने नया लिया था। एलोवेरा जेल ली थी मैंने, क्योंकि बहुत सी रेमडीज़ में मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल। ये मैंने ली थी वैक्स कॉस्मे कंपनी की, फ़र्स्ट टाइम मैंने ली है। तो पहले मैं दूसरी कंपनीज़ मैंने काफ़ी यूज़ की हुई है, गोल्डन गर्ल वगैरह भी यूज़ किया है, और रिका वैक्स जो है ना स्पेशली सबसे ज़्यादा जो है ना मैंने जब सैलून रन कर रही थी उसमें मैं रिका वैक्स सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी, उसमें उसकी फ्रूट वैक्स वगैरह वो ज़्यादा मेरे यूज़ में थी। तो कॉस्मे की मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया, तो इसको मैं आपको करके भी दिखाऊंगी आपको, और इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि कैसा है। और यहाँ पे मेरे पास पड़े थे जी 2 अदद मेरे सूट, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं इनके, और जिस तरह के मुझे पसंद है ना कि ये मेरा ड्रेस है और डार्क कलर का इसका दुपट्टा है, और ये कलर ही बड़ा दूसरा जो सूट है ना कलरफुल सा है, शॉकिंग ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा सूट है। इसके साथ मैं लेके आई थी जी लेसें, और इन दोनों के साथ लेसें ली थी, और गले पे लगवाने के लिए एक बड़ी प्यारी मोतियों की लाइन सी मुझे मिली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये सारी शॉपिंग जो है ना मैंने आपको बताया, कुछ मैंने अबू के साथ की थी, कुछ छोटी बहन के साथ गई थी, और लास्ट मंथ मेरी नंद आई हुई थी, कुछ मैं उनके साथ बाज़ार गई थी, और उन्होंने टाटा बाज़ार जाना था, वहाँ से उन्होंने कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी। तो फिर मैंने वैसे कुछ नहीं लेना था उस दिन, क्योंकि यानी कोई चीज़ इतनी लेने वाली नहीं थी मेरी, उन्होंने बेडशीट्स वगैरह कुछ कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी थी मेरी नंद ने। तो वहाँ पर फिर मैं उनके साथ गई, तो वहाँ से कुछ मैंने बस, वो कहते हैं ना औरतें अगर कुछ विंडो शॉपिंग भी करने जाए तो कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। तो यहाँ पर ये देखें ग्रीन और गोल्ड के मोतियों में ना साथ से लाइन बनी हुई बड़ी प्यारी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, वट एवर, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी थी तो मैं दोनों सूटों के साथ ना ले आई थी। और यहाँ पे इसके साथ ऑरेंज कलर की लेके आई थी, क्योंकि इस सूट का जो है ना बेस कलर ऑरेंज है, तो इसका बेस कलर ग्रीन था पैरट सा, तो वो ले आई थी। इसकी लेसें बड़ी अच्छी हैं, मैं ना लेसें जो है ना इस तरह से पूरा इनका वो पैक लेती हूँ ताकि पूरे दुपट्टे पर चारों तरफ लग जाती है और सूट पर लग जाती है। तो ये सूट थे जी 2 पीस जो मैंने टाटा बाज़ार से बस ऐवें ही चलते चलते शाम का टाइम था, तो हम लोग घर आने के लिए ना
आने लगे थे बस। तो मेरी नान की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, बस आते आते मुझे ना ये कलर जो है ना बड़ा अट्रैक्ट किया था, बहुत ही प्यारा। कैमरे में पता नहीं आपको कैसा वीडियो में लग रहा होगा, लेकिन सच में ही कलर पहना हुआ बड़ा ही प्यारा लगता है, शौक सा कलर है। तो मुझे ये पसंद आया था, फिर मैंने ये ले लिया। फिर एक लाइनिंग में प्रिंट था, एक ब्लैक जो मुझे बहुत ही पसंद है ब्लैक। तो वो इस तरह से मैंने ना ब्लैक जो है नीचे वाला वो मेरी सिस्टर का है, बाकी लाइनिंग और ये येलो वाला, ये दोनों सूट मेरे हैं। और मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, इसके साथ ना मुझे घर में इतना मज़े का दुपट्टा मेरा मैच हुआ है येलो के साथ। वो आई थिंक मेरा ना लॉन के सूट के साथ था, रेशमी दुपट्टा है वो, और 2 साल पुराना सूट था। सूट तो मेरा ख़त्म हो गया, फट गया, लेकिन दुपट्टा अभी भी नया पड़ा हुआ, वो मेरे येलो सूट के साथ मैच हो गया। ये मेरी छोटी सिस्टर को इतना पसंद आ गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये प्रिंट्स जो है, हम लोग एक शॉप में बैठे हुए थे, शॉपिंग अपनी वो चीज़ें वगैरह ले रहे थे, जेंट सूट ले रहे थे। तो मेरी सिस्टर को ना अगली दुकान में ये सूट पसंद आ गया, और बस उसने ना खप रोला डाला हुआ था कि जल्दी जल्दी यहाँ पे पैसे वगैरह दे के इस शॉप पे और बिल वगैरह बनवाएं और जल्दी मुझे उस दुकान से ना वो वाला सूट ले दें। तो ये बस हम लोग बैठने लगे थे वापसी के लिए, तो उस ये जो है ना मुझे चलते चलते ये सूट पसंद आ गया लाइनिंग में। मुझे ना इस तरह स्ट्रेट लाइनिंग में बड़े प्यारे लगते हैं। इसमें ये होता है कि आप एक इस तरह की लाइनिंग वाला ड्रेस हो ना, एक तो आप पतले लगते हो और एक आप लंबे लगते हो। तो सीरियसली आप इस तरह का ना पहन के देखिए, अगर आप चौड़ी चौड़ाई में लाइने होंगे ना तो आप फैले फैले लगोगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली लड़कियाँ हो ना उनको पहनना चाहिए उस तरह का। तो यहाँ पे जी एक दुपट्टा मैंने लिया था, इस तरह के ब्लैक दुपट्टे जो होते हैं ना, ब्लैक और वाइट कलर के दुपट्टे, ये तकरीबन सभी सूटों के साथ चल जाते हैं। अगर जिस सूट के साथ आपको दुपट्टा ना मिल रहा हो तो उसके साथ आराम से ब्लैक दुपट्टा वेयर कर लें, इतना ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पे ये दोनों सूट हैं, इन दोनों सूटों के साथ ना ब्लैक दुपट्टा बड़े आराम से चल जाएगा और बड़ा मज़े का लगा था। और इसका स्टफ़ जो है ना बड़ा अच्छा मुझे मिला था। एक दफ़ा मैंने इस तरह का वाइट लिया था लेकिन उसका स्टफ़ नहीं अच्छा निकला था, तो उसके ना धागे निकल रहे थे। तो लेकिन ये जो स्टफ़ है ना, स्टफ़ भी मुझे अच्छा लगा था और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो भी अच्छी थी। और फिर एक दिन जी बाज़ार गए थे, वहाँ से मैं लाई थी ये जी नेल पेंट, बड़े मज़े की है। और मज़े की बात ये है कि ये पील ऑफ है, पील ऑफ नेल पेंट्स जो है ना मुझे इतनी पसंद है। मैं ना दूसरी नेल पेंट्स हैं तो हैं लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता है नमाज़ पढ़नी होती है और बार बार से नेल पेंट जो है ना रिमूवर उसे ढूंढो लगाओ करो, बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। तो इसलिए मैं वैसे तो बहुत कम नेल पेंट लगाती हूँ, अगर लगानी हो तो मैं पील ऑफ मेरा ना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल ली थी जो मेरी बेटी को पसंद आ गई थी, और इस तरह की बोतल मैंने इसको 2 मंथ पहले भी लेके दी थी, लेकिन हमारे साथ ये किसी मार्ट पे गई थी, वहीं पे भूल आई, उसके बाद इसको यही वाली बोतल चाहिए थी, फिर मैंने दोबारा इसको बाय करके दी। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रे थी, प्लेट सी, और उसके ऊपर केक बना हुआ, और मेरी बेटी को इतनी इतनी पसंद आई थी तो मैंने फिर इसको ये ले दी थी। और साथ में यहाँ पे जी एक मैंने लिया था हेयर कैच अपनी बेटी के लिए, बड़ा मज़े का ऊपर पर लगे हुए हैं ये। चेज वैल्यू से शॉपिंग सारी की थी मैंने। और ये देखें यहाँ पे एक और है हेयर कैच, हेयर कैच या हेयर बैंड जो भी आप लोग इसे वट एवर बोलते हो, एक ब्राउन कलर का है, इसके ऊपर कोई मोती वगैरह नहीं लगे हुए, जो वो था सिल्वर वाला उस पर पर्ल्स लगे हुए थे। और यहाँ पे जी चेज वैल्यू की थोड़ी सी शॉपिंग में और आपको दिखाती चलूँ, और ये लिए हैं मैंने हेयर पिंस हैं, छोटी छोटी सी हार्ट बने हुए, बड़ी प्यारी सी। और ना मेरी बेटी के जो ना फ्रंट के बाल बड़े करली करली सी, इतने मज़े के आगे कर्ल्स आ जाते हैं ना, जैसे कर्ल्स हम लोग किसी फंक्शन पे जाने के लिए बनाते हैं ना, उसके नेचुरली ऑटोमेटिकली इस तरह के कर्ल्स बने हुए होते हैं। वो सुबह जब सो के उठती है ना तभी उसके कर्ल्स साइडों पे इतने मज़े के लग रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी रॉड के साथ बनाते हैं, उसके विदाउट रॉड ही इतने मज़े के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर छोटी सिस्टर ने ख़रीदी थी कुछ रिंग्स, और इसमें से कुछ रिंग्स तो उसे फिट भी नहीं आई क्योंकि ना काफ़ी खुली खुली सी थी, और ये है कि उसको थोड़ा सा टाइट करके ना मैंने फिर उसे दिया था, फिर उसको पूरी आ गई थी। और उसके बाद ये ना पेस्ट्री मॉल्स हैं, इसमें आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने तो आपके साथ सोप की रेमेडीज़ शेयर करनी है, उसके लिए मैंने लिए थे, और कुछ मैं रखूँगी सोप की रेमेडीज़ शेयर करने के लिए, और कुछ मैं ना अपनी बेटी के लिए जेली बनानी है उसके लिए मैंने लिए थे। मैंने कहा था दोनों काम हो जाएंगे, जेली भी बन जाएगी।
लेकिन ऐसा नहीं करते कि जिसमें आपने जेली बनानी है या सोप बनाना है, आप मिक्सअप करते जाओ, कभी जेली बना दो कभी सोप बना दो। मैं जेली वाले अलग रखूँगी और सोप वाले अलग से रखूँगी। और यहाँ पे मैंने पाजेब ली थी, फाइनली मैंने खुद पे भी ख़र्चा कर लिया। और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं तुम अपने ऊपर कभी इतना ना नहीं करती खर्चा। और यहाँ पे मैंने ना ब्रेसलेट ली थी, बहुत प्यारी सी, इतनी मज़े की, मुझे ना बहुत प्यारी लगी थी। और मुझे पाजेब का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं पहनती हूँ लेकिन बहुत कम, लेकिन शौक मुझे बहुत ज़्यादा इसका। तो यहाँ पे आई थिंक हाँ 1600 की, 1599 और 1600 की ये पाजेब आई थी। और यकीन करें मैंने पहले उठाई, फिर मैंने रख दी, मन का नहीं कौन सा कोई फंक्शन है या कोई है और कुछ कहाँ पहनूंगी, रहने देती हूँ वैसे वैसे। फिर मैंने फिर उठाई, फिर छोड़ दी, फिर मैंने रखी ली। मेरी छोटी सिस्टर हंस रही थी, मेरी छोटी सिस्टर ना मेरा बड़ा मजाक उड़ाती है इस बात पे कि आप ही अपने लिए जो भी चीज़ लेती हैं ना पहले 10 दफ़ा सोचती हैं मैं लूँ ना लूँ, फजूल खर्ची है, ऐसे है वैसे। लेकिन फिर मैंने फाइनली ले ली। और उसके बाद अबू के लिए ये जूता लिया था वहाँ से। और यहाँ पे ना ये थोड़ा ना बंद भी है, अबू बिल्कुल प्रॉपर जो है ना बंद जूता नहीं पहनते, और उनको आदत है थोड़ा सा कोई ना हवा आनी चाहिए पैरों में, और वो सर्दियों में भी ना थोड़ा सा उनको है, सॉक्स के साथ भी जो पहना जाए और थोड़ा सा ना हवादार भी जूता होना चाहिए। तो इस तरह से वो ना इस तरह के जूते जो है ना अबू मेरे पसंद करते हैं, मुकम्मल तौर पे बूट जैसे होते हैं ना उस तरह के जूते वो लाइक नहीं करते। तो इस तरह की, अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटू सा बड़ा प्यारा सा संदूक लिया है, जैसे पुराने वक्तों में होते थे ना ख़जाना टाइप रखने वाले संदूक, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। और मैंने सोचा था इसमें मैं जब कोई रेमेडी बनाऊँगी कोई पाउडर वाली, तो वो आपके साथ इसमें मैं शेयर करूँगी डाल के। तो ये जस्ट मुझे 150 रुपीज़ का मिला था, कैन यू इमेजन, कि इतना प्यारा सा है। तो ये प्लास्टिक का लेकिन बहुत ही मज़े का है, कहीं पर आप लोग टेबल पर किसी भी जगह पे आप इसको ना एज अ डेकोरेशन पीस रख सकते हो। और जस्ट 150 रुपीज़ का मुझे ये मिला था। और मेरा दिल चाह रहा था मैं इस तरह के ना एक दो और लूँ, क्योंकि टूट जाता है या कुछ भी। और ये मेरी बेटी को बड़ा ट्रैक कर रहा था, वो बस कह रही थी मेरे लिए तो मुझे दे दो बस आप लोग। तो यहाँ पे ना रात के बज रहे थे 2, और मेरी बेटी को और मेरी बहन को लग गई जी भूख, और यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद चिप्स फ्राई हो रही है, और चिप्स के साथ तो मैंने भी भरपूर इंसाफ किया था, और नगेट्स वगैरह तो उन दोनों ने बर्गर बना के ना साथ में खाए थे। अच्छा बर्गर के अंदर ना आप लोग केचप लगा के और 2-3 नगेट्स रख के खा लो ना, इतनी मज़े के बनते हैं। अगर रात में कुछ भी नहीं है ना तो ये चीज़ें पड़ी हैं तो मैं कहती हूँ मौजें हो जाती हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी अच्छी सी रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।